क्यों पड़े हो चक्कर में, नहीं है कोई आपके भाई के टक्कर में। कल मैंने अपनी टीम में अल्जारी जोसेफ को रखा, इसलिए मैं बोलता हूँ 6 बजे लाइव सेशन में जरूर आना। अल्जारी जोसेफ को रखा, तिक्साना को रखा और ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने वाइस कप्तान बनाया, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम था। तो भाई आप लोग ना यार लाइव सेशन में जुड़ा करो, 6 बजे लाइव आता हूँ और साथ में एनालिसिस वीडियो देखा करो, क्योंकि आपको हर वीडियो में आपको हर एक बार अलग अलग टिप्स ट्रिक मिलेगा, जिससे कि आप लोगों को ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम बनाने में मदद मिलेगा। देखो आज के वीडियो में आपको बहुत ही कुछ खास बताने वाला हूँ, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों एक स्ट्रॉन्ग टीम है और आज का एकदम तबाही वाला मैच होने वाला है, एकदम बिल्कुल फायर मैच होगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और टॉस के बाद कोई भी फर्दर अपडेट होता है तो मैं फाइनल टीम टेलीग्राम पे देता हूँ। फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो अभी फटाफट ज्वाइन कर लो, जहां मैं आपको 2 ग्रैंड लीग 1 स्मॉल लीग फुल टीम देता हूं। जिस टीम से मैं खुद खेलता हूं वही टीम देता हूं, अगर आपका लॉस तो मेरा भी लॉस, अगर आपका विन तो मेरा भी विन, सोचो। और कोई भी पैसा नहीं लेता हूं, कोई भी प्राइम नहीं लेता हूं, प्लीज मेरे नाम पे कोई भी प्राइम मत देना, ओके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, और ये मैच खेला जाएगा कहाँ पे, बाबन स्टेडियम मुंबई में। और यहाँ का पिच रिपोर्ट क्या रहता है, तो यहाँ पे जो है बैटर्स, जो बैट्समैन है वो अच्छा खासा रन बनाता है, आपको जो स्कोर है 150 से 170 के बीच में देखने को मिलेगा। अगर पिच रिकॉर्ड की बात करते हैं, टोटल अगर आप यहाँ पे 18 मैच हुआ है जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड बैटिंग करने वाला है इक्वल विन किया है। यहाँ पे देखो आपके सामने है सबसे ज्यादा जो रन बना 170 से लेके 190 के बीच में। अगर आप माई 11 सर्कल पे नहीं खेलते तो बहुत देर कर रहे हो, क्योंकि माई 11 सर्कल एक ऐसा इकलौता एप्लीकेशन है जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है और इंडिया का सबसे बिगेस्ट फर्स्ट प्राइज दे रहा है 2 करोड़ 2 लाख रुपए। अगर आप फर्स्ट आते हो जीत सकते हो, कॉम्पिटिशन बहुत कम है। और अभी डाउनलोड करोगे तो आपको फायदा क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में आप डाउनलोड कर सकते हो, 1500 कैश बोनस मिल जाएगा, ठीक है, तुरंत। उसके बाद यहां पे अगर आप न्यू यूजर हैं, अभी डाउनलोड करोगे, जितना डिपॉजिट करोगे, मान लीजिए 200 करोगे, 240 मिलेगा, 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, 1000 में 1200 और 5000 में 6000। सोचो 5000 डिपॉजिट किया, 6000 आपको, 1000 तो रियल कैश मनी, बोनस नहीं रियल कैश मिल जाएगा, कितना प्रॉफिट है। साथ में यहाँ चैंपियन के टीम को हरा सकते हो खेल के, जैसे वीवीएस लक्ष्मण की टीम को खेल इसके साथ खेलते हो, इनके टीम को हरा देते हो, आपको 5 गुना एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। सोचो यार हेड टू हेड खेलने का 5 गुना क्या फायदा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस में जॉस बटलर का नाम आता है, संजू सैमसंग, युजवेंद्र चहल, एरन फिंच, रसल, उमेश यादव, और ये सारे के सारे आज के टीम में तबाही मचाएगा, सारे के सारे 6 के 6। हेड टू हेड में अगर देखोगे तो एक बार केकेआर विन किया, तो एक बार यहाँ पे आरआर विन किया, ठीक है। ग्राफ में भी देखोगे तो ऐसा कोई खास नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है। टीम न्यूज में हसित राणा जो है वो केकेआर ज्वाइन कर चुका है। पॉइंट टेबल की बात करते हैं, 4 नंबर पे राजस्थान रॉयल्स है, कोलकाता नाइट राइडर्स 6 नंबर पे है पॉइंट टेबल पे। पॉसिबल 11 की बात करते हैं, जिसमें एक रिस्की प्लेयर मैं यहीं पे बताता हूं, आरविन डसन, ये आज पॉइंट देगा, ठीक है, अपने ग्रैंड लीग टीम में ट्राई कर सकते हो। जॉस बटलर, देवदत्त पेडिकल ओपनिंग करेंगे, फिर यहाँ पे संजू सैमसंग आएगा और संजू सैमसंग आज के मैच में चलने वाला है, ठीक है। फिर आरविन डसन, सिमरन हाटमायर, रियान पराग, जेमनिसम, ट्रेंट बोल्ट, ये दोनों में से कोई एक खेलेगा। कुलदीप सैन, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से वेंकटेश अय्यर, एरन फिंच, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर आज के मैच में अच्छा करने वाला है, रसल, फिर सेल्डन जैक्सन, सुनील नारायण, उमेश यादव, एच खान, या तो शिवम मामी में से कोई एक खेलेगा, क्योंकि शिवम मामी का प्लेयर बैटल बहुत खतरनाक है, बताएंगे आगे डिस्कस करेंगे। पैट कमिंग्स, वरुण चक्रवर्ती। सबसे पहले हम लोग राजस्थान रॉयल्स का जो प्लेयर है उनके बारे में समझते हैं, जानेंगे हमारे स्मॉल लीग टीम में कौन होगा, ग्रैंड लीग में किसे ट्राई कर सकते हो, रिस्की प्लेयर कौन है। सबसे पहले नाम आता है जॉस बटलर, सब इनको कैप्टन बना रहा, क्या आज फ्लॉप होगा बटलर, आपको क्या लगता है फ्लॉप होगा, कॉमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। जॉस बटलर 79 मैच में 2344 रन बनाए, 2344 रन, राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट में 54 रन, उसके पहले 13, देखो फ्लॉप भी रहा है, ऐसा मत बोलना कि फ्लॉप नहीं होता, फ्लॉप भी होता है, 13 पे फ्लॉप रहा है, ठीक है।
लेकिन केकेआर के अगेंस्ट में रिकॉर्ड अच्छा है, 9 मैच में 245 रन बनाए, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। राइट आर्म लेग ब्रेक जो बॉलर है उसके अगेंस्ट में जॉस बटलर स्ट्रगल करता है, तो जॉस बटलर ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, कैप्टन के लायक भी सही है क्योंकि सब लोग इनको कैप्टन बना रहा। लेकिन मैं तो आपको यही बता रहा हूं कि अगर आज संजू सैमसन को कैप्टन बनाओगे तो आप 4 मेंबर 4 मेंबर 3 मेंबर आराम से विन कर सकते हो। फिलहाल मैंने अभी अपनी टीम में बटलर को ही कैप्टन बनाया, लेकिन टॉस के बाद कोई भी फर्दर अपडेट हुआ तो मैं हो सकता है कैप्टन चेंज कर सकता हूं। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर जाना, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देवदत्त पेडिकल लास्ट मैच फ्लॉप रहा था, उसके पहले 29-37 एवरेज पॉइंट देखे जा रहा है, उतना भी कोई खास नहीं खेल रहा है, एवरेज दे रहा पॉइंट। लेफ्ट एंड बैट्समैन है, 34 मैच में 996 रन बनाए और केकेआर के अगेंस्ट में 5 मैच खेला 125 रन बनाया, ठीक है रिकॉर्ड अच्छा है। संजू सैमसन लास्ट मैच भले 11 रन 13 रन ठीक है 8 रन 3 मैचों से फ्लॉप चल रहा है, लेकिन उसके पहले भी देखो तो 55-30 कंटिन्यू अच्छा रन बनाया संजू सैमसन। आज के मैच में सब लोग इनको कैप्टन बनाने से कतराएगा, मैं तो बोलता हूं कि इसी को ही कैप्टन बनाना और ग्रैंड लीग में तो खैर कंफर्म बनाना, ठीक है, जो कि 126 मैच में 3000 से ज्यादा रन बनाए राइट हैंड बैट्समैन है और केकेआर के अगेंस्ट में अच्छा रिकॉर्ड है, 16 मैच में 377। इस वेन्यू पे भी अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 15-16 रन बनाते हुए दिखेगा, मतलब एक बॉलर उतना तो पॉइंट दे ही देगा, इस वेन्यू पे उतना रिकॉर्ड है, लेकिन केकेआर के अगेंस्ट में अच्छा रिकॉर्ड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए। देखो इसका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, यहाँ 4 मैच स्टार्टिंग के 4 मैच बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, अभी स्टार्टिंग के 2 मैच खेला है बहुत फ्लॉप, उसके बाद भी 2 मैच फ्लॉप, ठीक है। तो आरवन डसन आज के मैच में ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, 140 मैच में 4000 से ज़्यादा रन बनाए, सोचो रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है। अब बहुत ओडीआई में तो खैर प्लेयर तो आंख बंद करके सब लोग ट्राई करता है, लेकिन टी20 में भी आज ट्राई करना प्लेयर बड़ा है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए रिस्की में अच्छा प्लेयर है। सिमरन हेटमायर आज के मैच में जो आप बोल रहे थे ना कि 2 प्लेयर फ्लॉप कौन होगा, हेटमायर का मेरा नाम आता, हेटमायर फ्लॉप आज मेरे को लग रहा है, 36 मैच में 604, क्योंकि देखो अगर आरवन डसन चला संजू सैमसन चला तो फिर हेटमायर का बैटिंग आने का बहुत कम चांस है और हाई हिटर बैट्समैन है तो जल्दी आउट हो सकता है। मैंने आपको बता दिया क्यों फ्लॉप होगा, क्योंकि केकेआर के अगेंस्ट में 5 मैच खेला सिर्फ 38 रन बनाए, आपके सामने रिकॉर्ड है, ये भी एक डाटा दे दिया आपको। फिर रियान पराग पिछले सीजन का हीरो था रियान पराग, लेकिन इस बार रियान पराग ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा है, क्यों नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि एक्चुअली इनको बॉलिंग उतना नहीं मिल रहा है और बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे है, 35 मैच में 382 रन 4 विकेट लिया है, लास्ट मैच भले थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था 1 विकेट 18 रन, लेकिन वैसा कोई खास रिकॉर्ड केकेआर के अगेंस्ट में भी नहीं है, तो रियान पराग को मैंने अपने स्मॉल लीग में नहीं ट्राई किया है। संजू सैमसन को बटलर को अपनी टीम में रखा हूँ, पेडिकल को भी रखा हूँ अपनी टीम में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे जेमनिसम का नाम आता है, लास्ट मैच भले विकेट नहीं लेके गया था लेकिन इसने मुझे 4 बार जीएल विन कराया है, ठीक है, प्लेयर बहुत अच्छा है और बॉलिंग भी 4 ओवर इसको मिलेगा। अगर जेमनिसम नहीं खेलता तो इसके जगह ट्रेंड बोल खेलेगा और ट्रेंड बोल को रखना है फिर अपने टीम में, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो 17 रन 1 विकेट लिया था, सॉरी 0 विकेट लिया था, लेकिन आज के मैच में विकेट ले गए, 12 मैच में 61 रन और 8 विकेट लिया है। केकेआर के अगेंस्ट में 1 मैच खेला है 8 रन बनाया है। कुलदीप सैन 1-1 विकेट लेके जा रहे हैं, 21 मैच में 14 विकेट लिया, जो कि राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलिंग करता है, मेरे टीम में नहीं है। आर अश्विन रिस्की प्लेयर, आप पूछ रहे थे ना कौन कौन है, आर अश्विन रविंद्र चंद अश्विन अगर आज खेलता है 2 विकेट तो इनके हाथ में कन्फर्म है, 2 विकेट ये कन्फर्म लेगा, ठीक है। 172 मैच में 145 विकेट लिया है, जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है, अभी देखोगे तो कोई भी मैच में विकेट लेके नहीं जा पा रहा है अश्विन, इस बार अश्विन बहुत फ्लॉप चल रहा है। केकेआर के अगेंस्ट में 18 मैच में 88 रन और 23 विकेट लिया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ देखो रिकॉर्ड अच्छा है, केकेआर के अगेंस्ट में 18 मैच में 23 विकेट लिया है, ठीक है, और हाईएस्ट जो है इसने रन भी बनाया है 45 रन बनाया। युजवेंद्र चहल इस बात का तो हीरो है, चहल भाई ये भी राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करता है लेकिन हर मैच में विकेट लेके जा रहा है, 119 मैच में 151 विकेट, लास्ट मैच में भी सब लोग इनको ड्रॉप कर रहा था लेकिन 1 विकेट लिया है, 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, ग्राफ बहुत अच्छा है। और केकेआर के अगेंस्ट में 18 मैच में 19 विकेट, सेफ कैप्टन, अगर आप चाहो बॉलर में कोई किसी को सेफ कैप्टन बनाना चाहते हो तो युजवेंद्र चहल बना सकते हो, जेमिनिसम, ट्रेंट बोल्ट, ये 3 ऑप्शन है आपके लिए बेस्ट, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा को पिछले मैच में नहीं रखा था लेकिन इस बार मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा, ठीक है, पिछले मैच में भी शायद स्मॉल लीग में रखा था मैंने, यहाँ राइट आर्म पिछले मैच में फ्लॉप रहा था, फिर 1 विकेट 0 विकेट, डेप्थ में बॉलिंग करता है और पावर प्ले में बॉलिंग करता है,
टोटल 39 मैचेस में 34 भी कर लिया, अच्छा रिकॉर्ड है, इस मॉडलिंग में ट्राई कर रहा हूँ। बेंच प्लेयर में बहुत सारे बेंच प्लेयर है, जिसमें कि बेस्ट कौन है, ट्रेंट बोल्ट, अगर आज खेलता है तो रख लेना, 66 मैच में 83 भी कर लिया है, और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये प्लेयर इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे ओबे एमसिको, 35 मैच में 45 विकेट, ये भी लेफ्ट आर्म मिड फास्ट बॉलिंग करता है, ये भी लेफ्ट आर्म, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहले ना जो नाम आता है वेंकटेश अय्यर का नाम आता है, ओपनिंग कर रहा है। पिछले सीजन में तो वेंकटेश अय्यर को सब लोग कैप्टन बना रहा था पिछले सीजन में 2021 में, लेकिन इस बार कोई नहीं बना रहा क्योंकि इसको बॉलिंग नहीं दे रहा है, चार ओवर रन से भी पॉइंट नहीं मार पा रहा है, रन भी अगर आप देखोगे सिर्फ एक मैच में 50 लगा है, उसके बाद हर मैच फ्लॉप चल रहा है। तो आज क्या वेंकटेश अय्यर को खिलाएगा या रिप्लेसमेंट करेगा, खिलाएगा तो आज रख लेना अपने टीम में, ठीक है, आज आपको थोड़ा ठीक ठाक पॉइंट देके जाएगा। वेंकटेश अय्यर 16 मैच में 482 रन बनाया है और 3 विकेट लिया है, रिकॉर्ड अच्छा है। आरआर के अगेंस्ट में एक मैच खेला 38, और बॉलिंग स्ट्रगल की बात करते हैं तो राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलर के अगेंस्ट में आउट होता है। एरोन फिंच, पिछले मैच में सब लोग एरोन फिंच के पीछे पड़ा हुआ था यार, क्या और लाइव सेशन में 6 बजे लाइव आता हूँ, सर एरोन फिंच को अपनी टीम में कैप्टन बनाओ, एरोन फिंच को अपनी टीम में कैप्टन बनाओ, मैंने बोला भाई ये प्लेयर पे भरोसा नहीं कर सकते हो, ये हार्ड हिटर बैट्समैन है, या तो LBW जल्दी होता है, या तो जल्दी आउट हो जाएगा या तो ये सीधा सेंचुरी लगाएगा, ऐसा प्लेयर है। तो आज के मैच में आपको 20-30 रन पे आउट होते दिखेगा, ठीक है, तो अपनी टीम में रख सकते हो, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कैप्टन मत बनाना, अगर कैप्टन बनाना है तो ग्राइंडिंग में बनाना, ठीक है। नीतीश राणा, सब लोग एरोन फिंच को ले रहा था, मैंने अपने टीम में नीतीश राणा को रखा था, और कितना 54 रन का पारी खेला, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 83 मैच में 1943 रन बनाया, और आज के मैच में भी एरोन नीतीश राणा चलेगा, ठीक है, रिकॉर्ड अच्छा है आपके सामने। देखो श्रेयस अय्यर को भी स्मॉल लीग टीम में रख लेना, जो कि वन डाउन बैटिंग करने आएगा, राइट हैंड बैट्समैन है, 93 मैच में 2527 रन बनाया, और अभी फिलहाल एवरेज पॉइंट देके जा रहा है हर मैच में 28-54, अच्छा भी पॉइंट दिया है, और इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैच में 51 रन, और आरआर के अगेंस्ट में 8 मैच खेला है, 236 रन बनाए। रसल चार्मर पे बैटिंग करने आएगा, अगर सेफ कैप्टन चाहिए आपको तो रसल सेफ है, क्योंकि बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा और बैटिंग आएगा, 4 नंबर बैट्समैन का बैटिंग आने का फुल चांस है। यहाँ पे देखो 49 2 विकेट, यहाँ पे 24 रन 1 विकेट, हर मैच में विकेट वो क्या बोलते बैटिंग आ रहा है, हर मैच में 89 मैचेस खेला है और 1679 रन बनाया, 77 विकेट भी लिया, 77 विकेट लिया, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलिंग भी करता है, और इस वेन्यू पे 3 मैच खेल के 110 रन बनाया है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड अच्छा है रसल का। सरवन जक्सल का बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, सुनील पिछले मैच में सब लोग 70% लोग ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी टीम में फ्लॉप कर दिया था, क्योंकि क्रेडिट भी बचाना था, और देखा फ्लॉप भी रहा था, 6 रन बना के 0 विकेट दिया था। आज के मैच में 1 विकेट लेने का क्षमता रखता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है, 140 मैच में 145 विकेट लिया है। उमेश यादव, इस बार तो उमेश यादव तबाही मचा रहा है, लेकिन लास्ट मैच फ्लॉप रहा था, अगर इस मैच इसमें मैंने वाइस कप्तान शायद बनाया था, अगर ये 2-3 विकेट लेके चला जाता ना तो आपका भाई कल मेगा कॉन्टेस्ट, उस दिन मेगा कॉन्टेस्ट जरूर विन करता, क्योंकि रैंक पता कितना आया था मेरा, तो अच्छा रैंक आया था, और मेरे जितने सब्सक्राइबर थे 92, सोचो 57 लाख लोगों में 92 रैंक आया था, 9000 या 10000 विन किया था, सोचो ओनली 49 रुपीज लगा के, तो उमेश यादव ने धोखा दे दिया, वरना फर्स्ट हो जाते हम लोग। आज के मैच में अभी रख रहे हैं, 127 मैच में 131 विकेट लिया है, जो कि राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलिंग करता है, क्योंकि आप पिछला मैच का रिकॉर्ड देखोगे अच्छा चल रहा था, सिर्फ लास्ट मैच फ्लॉप रहा था। अमन हकीम खान फ्लॉप था, देखते हैं ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, वैसे मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। पैट कमिंग्स को मैं अपने स्मॉल लीग में रख रहा हूँ, 1 विकेट 3 रन, उसके पहले 0, फिर यहाँ पे 2 विकेट 56 रन, तो आपको 1-2 विकेट लेते हुए दिखेगा, 40 मैच में 41 विकेट लिया, राइट आर्म मिडिल फास्ट बॉलिंग करता है। और आरआर के केस में पैट कमिंग्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 3 मैच में 5 विकेट लिया है। वरुण चक्रवर्ती, आप पूछ रहे थे ना रिस्की प्लेयर 3, तो मैंने आपको एक आरविन डसन, आर अश्विन, और एक मैं वरुण चक्रवर्ती का नाम लूंगा। चक्रवर्ती आज अगर देखोगे तो 1-2 विकेट लेके जाएंगे, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलिंग करता, 37 मैच में 39 विकेट लिया, लास्ट मैच भले फ्लॉप रहा था लेकिन रिकॉर्ड अच्छा है, आरआर के अगेंस्ट में 4 मैच खेला है, 7 विकेट लिया है। बेंच प्लेयर में बहुत सारा बेंच प्लेयर है, जिसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं नाभी और करुणातने हैं,
जो कि ऑफ ब्रेक और राइट आर्म रिवर्स बॉलिंग करता है। प्लेयर बैटल की बात करते हैं, जॉस बटलर का नाम आता है। प्लेयर बैटल ध्यान से सुनना, अगर ग्रैंड लीग खेलते जॉस बटलर को सुनील नारायण ने 3 बार आउट किया है, रसल ने 2 बार, वरुण चक्रवर्ती 2 बार और शिवम मावी ने 1 बार। संजू सैमसन को सुनील नारायण ने 3 बार, रसल ने 1 बार और शिवम मावी ने 4 बार। तो देखते हैं शिवम मावी आज खेलता है नहीं खेलता है। सिमरन हाटमायर को सुनील नारायण ने 1 बार, वरुण चक्रवर्ती ने 1 बार। वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड देखो आपके यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एरोन फिंच को ट्रेंट बोल्ट ने 2 बार आउट किया, 1 बार युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 बार, ठीक है। श्रेयस अय्यर को 1 बार आउट किया जेमिनिसम ने और रसल को 1 बार युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट ने 2 बार आउट किया। चलिए हम लोग टीम क्रिएट करते हैं। एक फैंटेसी टीम मैंने बना के रखा है। अगर आप देखोगे विकेट कीपर में संजू सैमसन, जॉस बटलर को मैंने अपनी टीम में रखा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में नीतीश राणा। इसके पहले आपको बताता हूँ कि अगर टॉस के तो फाइनल टीम मैं टेलीग्राम पे देता हूँ और 6 बजे मैं लाइव आता हूँ। टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और लाइव सेशन 6 बजे जरूर ज्वाइन होना। बैटिंग सेक्शन में राणा, श्रेयस अय्यर और एरोन फिंच के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलराउंडर जेमिनिसम, रसल और बॉलिंग में युजवेंद्र चहल, उमेश यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और पैट कमिंस। देखो निसम के जगह अगर ट्रेंट बोल्ट खेलता है तो रख लेना। और आर अश्विन 4 मेंबर में अटैक करना, डिफेंसल पिक होगा। वरुण चक्रवर्ती डिफेंसल पिक होगा और आरवन डसन डिफेंसल पिक होगा। 3 रिस्की प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लॉप की बात करते हैं तो मेरे को हेटमायर पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फ्लॉप हो सकता है। और देखो माई 11 सर्कल पे खेल सकते हो, यहाँ पे क्रेडिट का बिल्कुल समस्या नहीं होगा और कॉम्पिटिशन बहुत कम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।